गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि कल रात को भी लेट आए थे और फिर सब कुछ चीज़ें ठीक ठाक करने में टाइम लग गया था। सो यस, आज हमारी नवरात्रि का पहला दिन है। अच्छा, मैं पहला दिन क्यों बोल रही हूँ, एक्चुअली मैं बेंगोली हूँ तो आज हमारी दुर्गा जी बैठी हुई है, तो आज हम लोग का पहला दिन है। तो बस मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, पूजा कर लेती हूँ और आज बहुत सारा काम है क्योंकि आप लोगों को बताया था आज मेरा गरबा कंपटीशन है। आवाज़ भी ऐसी हो रही है। तो यस, आज मेरा गरबा कंपटीशन है, तो फिर आज का जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी और फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर से। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ दीदी के पास से लहंगा लेके और अभी भी कुछ ज़्यादा ऐसा कंफर्म नहीं है कैसा क्या करना है। तो यस, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है गाइज, क्या ही बताऊँ, आज तो मतलब पूरी बैंड बजनी है टोटली। तो यस, मैं सामान लेके आ गई हूँ, रूम भी ऐसा उथला पुथला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ। टाइम भी मतलब हो चुका है, 2 बज गया, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 4 घंटे बचे। 4 घंटे के अंदर मुझे दूसरे काम भी करने हैं और एक फ्रेंड आएगी उसको भी रेडी करना है, फिर उसके बाद मैं खुद रेडी होऊंगी और एक आंटी है जो मेरी मम्मी है, उन्हें माँ समझती हूँ, मतलब माँ जैसी मेरी, वहाँ भी जाना है भजन में। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो यस, मुझे जल्दी जल्दी से मैं थोड़ा सा अपना वो काम कर लेती हूँ और उसके बाद सोच रही हूँ 3 बजे या 3:30 बजे के आसपास मैं वहाँ चले जाऊँगी, वहाँ से 4:30 बजे आऊँगी, फिर उसके बाद मैं रेडी होना स्टार्ट हो जाऊंगी। और एक लहंगा है मुझे एक मैम को देना, उनको दे दूंगी। तो आज का जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी है, बट यस, जल्दी जल्दी हमें अपना काम करना है और फिर आपको अपनी जिम में मिलना है। तो रेडी होने के बाद मैं सबसे पहला लुक में दिखा दूंगी आपको कि मैं कैसी रेडी हुई हूँ और फिर मैं आपको सीधे फिर जिम में मिलूंगी। सो यस, जल्दी जल्दी काम कर लेती, फिर मिलते हैं। गाइज, हम लोग आए हैं आंटी के यहाँ पर भजन करने के लिए और भजन करते करते हम आए हैं अभी चाय बनाने के लिए, तो हम चाय बनाएंगे और यहाँ पर चाय बनाने के लिए हेल्प करेगी श्रीति। वाह 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 वाह, बहुत कुछ हेल्प करेगी। तो बस हम चाय बनाते हैं और क्या, चाय बनाते हैं, देखा ना। तो चाय बनाने के लिए मैंने पतीला रख दिया, उसमें पानी डाल दिया। ये मत समझना कि मैं चाय बनाने की रेसिपी बता रही हूँ, ये बिल्कुल मत समझना, बस बना रही हूँ। बस हमारी चाय बन गई है, अब हम चाय को छान लेंगे सबके लिए। छान तो लेंगे, डिस्पोजल वो भी रखा है। सो गाइस, मेरा भजन अटेंड हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ रूम की ओर, जाते ही मैं रेडी हो जाऊंगी। सो यस, सामान मैंने थोड़ा बहुत ले लिया है आज का, तो फाइनली थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरा काम हो रहा है। तो यस, जाते हैं, जाते जाते हम अभी चाय पत्ती लेंगे, हमारे यहाँ का चाय पत्ती खत्म हो गया। तो ये है हर्ष, हाय कर दो हर्ष। अरे हाय हाय। तो चाय पत्ती ले लिया जाए, जल्दी से दो, बहन का आज कॉम्पिटिशन है गरबा। एक मिनट, हाँ गाइज, मैं आपसे बात करती हूँ। सो हाय गाइज, हम आ गए फाइनली जिम, तो इंटर हो रहे हैं, पूरा लुक नहीं दिखा पाई थी, ये आगरा घाघरा पहन के तो मेरा जान निकल रहा है, क्या क्या करना पड़ता है देखना मेरे पीछे। तो बस जा रहे जा रहे। ये है हमारा
फाइनल स्टेज, माता जी का नमन कर लीजिए, जय माता दी। इन्हीं के साथ हर चीज़ शुरुआत होती है।
सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ जिम से और यस, मुझे सेकंड प्राइज मिला है डांस में और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब गरबा में. सो दिस इज़ माय प्राइज और मुझे बहुत खुशी मिल रही है. सो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि यस, मुझे गरबा नहीं आता था और पिछले साल आयुष जो है हमारी जिम में प्रैक्टिस करवाता है, वो जुम्बा करवाता है, तो उसी की वजह से मैं ये गरबा प्रैक्टिस कर पाई हूँ और अच्छे से परफॉर्म कर पाई हूँ. सो ऑल क्रेडिट फॉर आयुष ओनली, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि गरबा नहीं आता है, बाकी नॉर्मल ऐसे डांस कर लेती हूँ, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. तो थैंक यू सो मच हमारे जो जिम के ऑनर है अमीन सर, थैंक यू सो मच, एंड मोनिश, सभी को दिल से धन्यवाद जो उन लोगों ने चाहा. और जो जो मेकअप आर्टिस्ट आई थी एज अ जज, श्वेता बत्रा, सो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि यस, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा खुद पे प्राउड फील हो रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मैं शायद डिजर्व नहीं करती हूँ, बट यस, उन लोगों ने ये समझा कि मैं इसकी हकदार हूँ, तो थैंक यू सो मच. सो बस बहुत अच्छी बात है कि मेरी फ्रेंड है रेनू, वो उसको लुक में सेकंड प्राइज मिला है एंड नीलिमा उनको फर्स्ट मिला है, तो मैं सबके लिए मतलब खुश हूँ. सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत क्यूट लग रहे थे और मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा था, मतलब जिनको हम सिंपल देखते हैं फिर अचानक से रेडी होकर देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है. सो यस, और आज मैं कैसी लग रही हूँ तो मुझे बताइएगा. एंड ये जो हेयर स्टाइल है ये मेरी फ्रेंड श्रीति ने किया है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. और यस, तो मैं कैसी लग रही मुझे बताइएगा. एंड यस, मेरा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और बस, तो फिर मिलते हैं, मैं इस ब्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ. एंड यस, आज नवरात्रि का हमारा फर्स्ट डे है, यानी बंगाली लोगों का, और आई थिंक मैं क्या, सो यस, मैं कोशिश करूँगी. मैं हमारे यहाँ जो बंगाली दुर्गा जी बैठती, क्योंकि इस बार शायद ही मैं घर जाऊँगी, कंफर्म नहीं है, बट यस, मैं कोशिश करूँगी और जब मैं वहाँ जाऊँगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी. और मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए. एंड यस, आप लोग अच्छे रहोगे तो मैं भी अच्छी हूँ, तो मिलते हैं तब तक के, और लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिए. मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट.